नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ कैड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हैच और ग्रेडियंट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हैच और ग्रेडियंट। ये हमारा हैच है, ठीक है, ये ग्रेडियंट है। यहाँ से रिबन में भी हैच है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम हैच और ग्रेडियंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों तो कमांड अलग 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 दी गई हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम हैच स्टार्ट करते हैं। हैच हम जैसे कि हैच क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कोई चीज़ सेटेड दिखानी है या हैच दिखाना है मुझे, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज है, बाउंड्री है, रीजन है, तो वहाँ हम हैच शो करा सकते हैं। जैसे ये क्लिक किया हमने, ये देखिए, ये हैच के लिए है। बट अभी इसमें क्या है कि हम इस पर क्लिक, जैसे एक मिनट, हाँ, हैच लिया, हैच का शॉर्ट फॉर्म एच ए, ठीक है, हैच के लिए, हैच का एच है, हाँ ठीक है। ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ से कई ऑप्शन है हमारे पास, किस तरह से हैच पर ISO एंड ANSI, ठीक है, लकड़ी के लिए अलग है, ठीक है, क्ले के लिए अलग है, क्रॉस के लिए अलग है। इस तरह से आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि आपकी JIS से भी है, जापानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, ठीक है, ISO भी है इस पे, एक ऐड ISO का है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां से जिस भी जो भी हमें सिलेक्ट करना है, ब्रास के लिए मटेरियल के भी डेजिनेशन है इस पर, हमें जिस चीज में जैसे MSI सिलेक्ट किया हमने, यहाँ क्लिक किया। अभी क्या है कि आप देख रहे हो ये बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा घना घन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वैल्यू यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे 10 कर दिया, अभी बहुत है, ठीक है, हम 50 कर देते हैं, यहाँ 50 कर दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ, इस तरह से 100 कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं कहीं ड्राइंग में आपको हैच दिखाई देता है, जब हम सेक्शन, जब हमें सेक्शन दिखाना होता है तो हैच यूज करते हैं। जब भी हम सेक्शन कहीं दिखाते हैं तो वहाँ 2D में हैच यूज करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हैच का, ये आपका यहाँ से है इस तरह से हैच, ठीक है। आपको मैं हैच, ठीक, यहाँ से हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एंगल है, इस पर हमने क्लिक किया, हैच की ट्रांसपेरेंसी है, पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास ग्रेडियंट का भी है, ठीक है, यहाँ से हम ग्रेडियंट पे जाके ग्रेडियंट बना सकते हैं, सॉलिड में सॉलिड हम दिखा सकते हैं, ठीक है, पैटर्न में पैटर्न, और इस तरह से हम जो पैटर्न है हमारा ये चल रहा है करंट में, ग्रेडियंट सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड दिखेगा, ग्रेडियंट में आप देख ही रहे हो, ग्रेडियंट पे हम कलर वगैरह चेंज करें, दो ऑप्शन कलर लेके हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड, यूजर के थ्रू जो डिफाइन करोगे आप इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया हैच का, और हम दिखा देते हैं सेट, ओरिजिन सेट करना हो तो यहाँ से सेट कर लेते हैं, एसोसिएटिव और एनोटिएटिव है, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमारा कहीं पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी है, तो हम उससे मैच प्रॉपर्टी लगा के मैच कर देते हैं। अभी आपको हम एग्जांपल भी दिखा देते हैं, जैसे इस तरह से हैच लिया कमांड हमने, यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा डेंस है, अगर हम इसे 50 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गया। बाय द वे, मुझे अगर इसे मैच कराना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लिक किए, आप देख रहे हैं मैच प्रॉपर्टी है, मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक किए, ठीक है, इस आप देख सकते हो ये हो गया, इससे सेम इससे मैच कर गया जिससे मैच कराना था, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है, मेरे पास ड्राइंग्स हैं एज ए
कब कब कहाँ हैश वगैरह है, क्लोज है, जब हमारी बाउंड्री क्लोज रहती है तभी हम हैश कमांड यूज कर सकते हैं, हैश या ग्रेडियंट। ठीक है, अभी हैश था, अब ग्रेडियंट हम देखते हैं। ग्रेडियंट, ठीक, ग्रेडियंट हमारा ये है, हम सबसे पहले जैसे अब यहाँ इसमें भी देखिए, हम पिक पॉइंट ले सकते हैं कहीं जहाँ से पिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे को इस तरह से, ठीक है, यहाँ से हमारा किस कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, एज ए पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो जो भी पैटर्न यूज करना है, अगर पैटर्न यूज करना है पैटर्न से ले सकते हैं, लेकिन क्या आज ये ग्रेडियंट चला, अगर जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो जनरली यहाँ भी देखिए आप, ग्रेडियंट में हाइज का भी ऑप्शन, इसमें हाइज का नहीं है, सॉलिड है, पैटर्न है, ठीक है, आप ग्रेडियंट में हम देख सकते हैं, क्लिक किए, दो कलर है यहाँ ब्लू, ठीक है, हम इसको भी सेम कलर कर लेते हैं, इसको भी ब्लू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक इसमें हमें अगर फिल करना है, यहाँ हमने ब्लू फिल कर दिया, ठीक है, अब हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, इसको कंप्लीट करने के बाद एक को कंप्लीट कर देते हैं, मैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा अलग अलग कलर में बनाता हूँ, ठीक है, फिर से हम अप्लाई कर देते हैं इंटर, ठीक, अब हम नेक्स्ट में हम ले लेते हैं कोई भी अलग अलग कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से हम कलर फिल कर सकते हैं, जो भी हम डिसाइड करें, जो भी कलर हमें चाहिए, यहाँ से एक अगर हम दो कर लेते हैं क्या होता है हमारा देखेंगे, जब भी हम लेंगे आपको दिखाते हैं तो इसमें मिक्सिंग हो जाती है दो दो कलर की, येलो और मैजेंटा कलर दोनों हमारे यहाँ मिक्सिंग में है, तो ठीक है, मैजेंटा ही कर लेते हैं इस तरह से, ठीक, आप फिल कर सकते हो और कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ एज पर इससे, ठीक है, इंडेक्स कलर से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप जो भी कलर चाहो यहाँ से लिख सकते हो, हैच का आपने देख लिया, ग्रेडियंट भी देख, पिक पॉइंट हम यहाँ से पिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पिक कर लीजिए इस तरह से, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, इसमें भी सेम चीज़ वही है, सेंटर है, एसोसिएटिव, नेटिव है, मैच प्रॉपर्टी, मैच प्रॉपर्टी लगा के कोई सेम कलर चाहे और सेम पैटर्न हम यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारा हैच और ग्रेडियंट